बदबू बड़ा कर एक गाड़ी का कहाँ गया रो भाई गाड़ी का स्विच करो जाम खींच देंगे दे के एकदम सीधा करो सरकार लाखों दावा कर ले कि शराबबंदी है बिहार में लेकिन इसकी पोल कहीं न कहीं पुलिस कर्मी खोल ही देते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के बलहरियासराय बहेरी मुख्य सड़क के रात के 10 बजे की, जहां 5 युवक नंग अवस्था में सिर्फ कपड़ा पहने हुए कहीं भी कोई युवक नहीं दिख रहे थे। अचानक पुलिस कर्मियों ने इनकी गाड़ी को रोका और देखा कि पांचों युवक अर्धनग्न अवस्था में गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये नशे में चूर हैं। गाड़ी में उतरते रोकते हुए ही पुलिस ने पूछा कि कहाँ गया था। कुछ ने कहा कि हम जीजा के यहाँ गए थे और कुछ ने कहा कि साली ने कपड़ा फाड़ दिया है। काफी नशे में ये चारों पांचों युवक जो है वहां पर रुके। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। देख सकते हैं एक पुलिस कर्मी उसके गाड़ी के चाबी को ले रहा है और गाड़ी को रोक रहा है। शराबबंदी के बीच इस तरह से धड़ल्ले से शराब बिकना, धड़ल्ले से शराब पीना कहीं न कहीं लोगों को हद तक गिरा देता है, जहां कोई सड़क पर आदमी चल रहा हो और ये पियकर उनको ठोक कर भाग रहे हो। पीने वाले लोगों के साथ हादसा जो है अचानक होता है और अक्सर देखा जाता है कि जो पीने वाले लोग गाड़ी चलाते हैं वो हादसा कर ही देते हैं और हादसा करते हुए भाग जाते हैं। इसी जगह पर रोड एक्सीडेंट में एक मोहम्मद अकबर नाम के युवक की हत्या कहीं ना कहीं मौत हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों का जमाव रहा था। इसी बीच ये 5 पियकर पहुंच गए और कहीं ना कहीं अनजान में ही ये पकड़ा गए और पतोर थाना ओपी के जितेंद्र चौधरी जो है थाना अध्यक्ष, इन्होंने पुष्टि किया कि पांचों लोगों का जो ब्रेथनलाइजर से अशोक पेपर मिल थाना में वो ब्रेथनलाइजर रखा हुआ है, वहां पर जो शिव कुमार यादव है उन्होंने जब जांच कराया है तो ये सभी लोग शराब पिए हुए पाए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रहे ज्यादा जो लोग हैं वो आज भी शराब पीते हैं और सड़क पर गाड़ियां दरा रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, आपको संभलने की जरूरत है, किसी भी अनजान और तेज रफ्तार गाड़ियों से हट कर रहे। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं यहां पर जो पंचायत समिति है चंदनपट्टी के मोहम्मद कादिर, उन्होंने क्या कहा है शराबबंदी के बारे में। सर होली में सर क्या कहें सर, अच्छा ना भैया अच्छा ना अच्छा ना भैया अच्छा ना भैया एक्सीडेंट हो गया भैया एक्सीडेंट हो गया भैया। हाँ, जो एक लाल कार है इसमें कितना लोग बैठा हुआ था? इसमें 4 से 5 लोग थे, लेकिन सब लोगों का स्थिति ऐसा था, सब लंगा थे बिल्कुल, केवल पैंट था, शरीर में कुछ नहीं था, एम ब्योरा टाइप का पूरा पिए हुए थे और सब बॉडी बिल्डर भी थे, बोल रहे कि हम बहरी से आ रहे थे। जी, यहाँ पर कहाँ रुक गए लोग? ये बाबा का मजार है यहाँ पर चंद्रपट्टी चौक से थोड़ा सा पीछे, उसी बीच में एक्सीडेंट हो गया था, जैसे पूर्व जो बताए हैं आपको एक्सीडेंट हो गया था, उसी बीच में मान लिया प्रशासन लोग थे, उसी बीच में आके ये फंस गया, ये फंस गया, फंस गया। तो पुलिस वाले ये भी बोल रहे थे कि नशा में है, मुंह माँक रहा है, ये सब भी बोल रहे। हाँ हाँ, प्रशासन लोग बोला गाड़ी साइड करो, मतलब जनता लोग भी यहाँ पर आक्रोशित हो गया कि ऐसे लोग से ही एक्सीडेंट होता है, जैसा गाड़ी चला रहा था वो समझ में आ रहा एक्सीडेंट ऐसे ही लोग करते हैं, तो जनता लोग यहाँ के जो थे वो लोग भी साइड करवा दिया, प्रशासन भी उसको कहा कि नहीं पिए हुआ है उसको ले चलो थाना, उसको थाना लेके चला गया। तो मतलब सब एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या स्थिति में था? यानी कि बिल्कुल नशा में था, अपने आप में कोई होश में था ही नहीं, इतना पिए हुआ था। लेकिन इसकी पुष्टि पुलिस ही करेगा, बोलेगा कि भाई बिल्कुल पुलिस ही करेगी इसकी पुष्टि। तो ये अभी क्या मतलब पुलिस लेके गया क्या? हाँ, थाना पर ले गए। कौन से थाना पर? एपीएम ले गए। एपीएम या पतोर? ये तो पतोर का इलाका है ना, ये पतोर का इलाका। अभी एपीएम मान लीजिए या एपीएम, दोनों गाड़ी लगा हुआ था, किसी गाड़ी में बैठ के चले गए वो लोग, लेके गए। तो क्या लग रहा है कि जो शराब चालू था बिहार में उस बार जो होली होता था और इस बार जो हुआ, इसमें कितना इस मरतबा तो सर समझ में नहीं आ रहा है कि शराब चालू है कि बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो खुला था उस समय ऐसा नहीं होता था, जिस समय बंद में ऐसा हुआ है। क्या लग रहा है कि लोग मतलब धरले से? बिल्कुल धरले से है, तभी तो धरले। जी जी, धरले से बिक रहा है और उसका आदमी प्रयोग करके खा पी के रास्ते पर एक्सीडेंट हो रहा है। बताइए कितना, 10 तो बज रहा होगा? हाँ, 10 ओवर हो रहा है। ये 10 बजे रात में मतलब एकदम सब बेसुध। जी जी जी। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल कादिर। ये गांव कौन सा जगह था? ये चंद्रपट्टी।